बड़वानी जिले में आज रविवार को लॉकडाउन के चलते जिला मुख्यालय पर असर दिखाई नहीं दे रहा है। भारी संख्या में सड़कों पर गाड़ियां दौड़ रही है और लोग आवाजाही कर रहे हैं। वहीं दुकानदार भी व्यावसायिक दुकानें खोल कर बैठे हैं। पुलिस का कोई डर नहीं है और ना ही पुलिस इस ओर कोई ध्यान दे रही है। बड़वानी जिले में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से पांव पसार रहा है। उसकी चपेट में सैकड़ों लोग आ चुके हैं। रोज कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए सरकारी और जिला प्रशासन ने रविवार को जिले में लॉकडाउन लगा दिया है। शुरू में लॉकडाउन का असर दिखा, लेकिन धीरे धीरे शहर में लॉकडाउन का असर खत्म होने लगा है। आज रविवार को जिला मुख्यालय में लोग आराम से लॉकडाउन की अवधि में भी घूमते दिखे। अधिकतर दुकानें खुली रही। जिन दुकानों को लॉकडाउन में खोलने की बिल्कुल इजाज़त नहीं थी, वैसी दुकानें भी खुली रही। वहीं पहले पुलिस चौराहे पर पाइन बनाकर जवानों की तैनाती करती थी, मगर इस रविवार कुछ चौराहों पर पुलिस जवान तैनात ही नहीं थे, जिसमें लोगों की आवाजाही पर कोई रोक टोक नहीं होने से आज लॉकडाउन का असर खत्म होता दिखाई दिया है। बड़वानी से अतुल कमाउत की रिपोर्ट। सर, आज रविवार लॉकडाउन का असर नहीं दिख रहा है मार्केट में, दुकानें खुली है, लोगों की आवाजाही। देखिए, ये जो लॉकडाउन है ये मध्य प्रदेश शासन का पूरा निर्देश है और इसमें पुलिस पूरी सख्ती से जो है जो नियम है उसके अनुसार काम कर रही है। लगातार चेकिंग भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जैसे मेडिकल के लिए इमरजेंसी है या स्टाफ है, गवर्नमेंट कर्मचारी है, या बहुत इमरजेंसी में जा रहे हैं तो उनको जाने दिया जा रहा है। बाकी जो मार्केट है अभी दुकानें हैं वो सभी बंद है, और इमरजेंसी की जो दुकान है अत्यावश्यक सेवा वाली वो दुकानें खुली हैं, और इसमें लगातार पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है, फिक्स पॉइंट भी लगे हैं और पूरी नज़र रखी हुई है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।